कट्टर हिंदू कट्टर मुसलमान है, लेकिन असल में जो कट्टर हिंदू होता है वो गीता पढ़ा हुआ रहता है कि कोई वो जानता है कि दिखावे के लिए ये सब नहीं होता, सब फालतू के लड़ते हैं बस पॉलिटिक्स के चक्कर में कि धर्म के नाम पे। तो बस ये गांव लोग सुनेंगे अब गांव जो भी बना है इनका मतलब है, कोई अन्यथा नहीं लेगा, इनकी भावना समझिएगा क्योंकि भाई सिंगर है गई। जैसे कि कौन हिंदू कौन मुस्लिम कौन सिख कौन ईसाई, यहाँ यहाँ कोई नहीं, अकेला सब एक दूजे का भाई। मत करो तुम लड़ाई, तुमको बातें हैं समझाई, ये सब मुंह माया है, छोटे ये कड़वी है पर यही है सच्चाई, जो तुमको है खिलाता वही मुझको भी खिलाता है, दिल से काम करोगे तो राबी वही दिखाता है, मिलके रहना सीखो, तुमको समझ में क्या नहीं आता है, धर्म के नाम पे तुमको ही तड़पा के मारा जाता है। हाँ कौन से धर्म में तुमको लड़ना सिखाता है आपस, सॉरी कौन से धर्म में तुमको लड़ना सिखाता है, अपने ही लोगों से जलना सिखाता है, गीता कुरान पर घमंड दिखाते हो, गीता कुरान क्या तुमको यही सिखाता है, क्या तुमको सिखाता है जाति में बढ़ना, या तुमको सिखाता है एक दूसरे की मदद नहीं करना, या तुमको सिखाता है जीवों की रक्षा नहीं करना। अब भी समय है, जाग जा, तू छोटे इंसानियत के पीछे भाग जा, तू इंसानियत का मतलब अच्छे कर्म है, कर्म करने हैं तो तुझको मिला जन्म है, क्या तेरे अंदर बच्ची अभी भरम है, तो कन्फर्म बोले तू इंसान ही नहीं, इंसान के रूप में बेशरम है, इसीलिए भोग रहा है छोटे, यही तेरा कर्म है, सच्चाई यही है, इंसान कोई कोई धर्म नहीं, इंसान पर जन्म ही लिया था बेधर्म लाला, अगर होती थोड़ी सी भी धर्म वो कोई कर्म नहीं करता अधर्म वाला, समझे क्या लाला, पहले के लोग सारे धर्म नाम की खोज की और धर्म दिए बाट, उनका ही कर्म सब भोग रहे हैं आज, हमको आपस लड़वा के अपना करते थे राज, वही चूतियों की परंपरा चलती आ रही है आज, सच को तू मान, इंसानियत एक धर्म है और उसको ही जान, क्योंकि इससे ही होगा तेरा जीवन का कल्याण, जिसने तुमको जन्म दिया उनकी सेवा कर नहीं सकते, लड़ते हो भगवान के नाम पे जो कि सिर्फ एक है, उनके रूप ही अनेक है, भगवान कृष्ण ने बताया यदि छल का आशय धर्म है तो छल करना तेरा धर्म, क्योंकि साम दाम दंड भेद ये सब धनी प्रचंड, और इंसानियत एक धर्म है और धर्म ही अखंड है।